बात करेंगे जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जानकारी मिली है। पूरे देश में चुनाव प्रचार पर रहेगा फोकस, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पहले रायबरेली से कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरे देश में वो प्रचार प्रसार करेंगी। अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष लेंगे, 1 से 2 दिनों में फैसला लेंगे और सूत्रों के मुताबिक ही पूरी जानकारी मिल रही है। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी थी कि रायबरेली से वे चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और नहीं लड़ेंगी चुनाव, पार्टी अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे, 1 से 2 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। संवाददाता शिवम जुड़ गए। शिवम, रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों ने मीडिया टीम को बताया है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल चुनाव लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र अत्याधिक है और उनके दामाद उनकी पारंपरिक सीट से लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी ऑलरेडी बीमार है, वो कैंपेन नहीं कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी का तर्क यह है कि अगर पार्टी के सभी नेता चुनाव लड़ेंगे तो पूरे देश में प्रचार कौन करेगा, क्योंकि रायबरेली या अमेठी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो फिर उन्हें वहां पर समय देना पड़ेगा, पहले समय नहीं दिया गया। ऐसे में चाहे वो पार्टी का क्राइसिस मैनेजमेंट हो, इलेक्शन का पूरा कैंपेन देखना हो या फिर पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करना हो, प्रियंका गांधी उसके लिए खुद को सक्रिय कर रही हैं। दूसरी बड़ी बात है, प्रियंका गांधी का ये भी तर्क है कि अगर तीनों गांधी राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं वंशवाद को लेकर बीजेपी निशाना बनाएगी और संदेश भी अच्छा नहीं जाएगा अगर राहुल, सोनिया और प्रियंका तीनों संसद में जाते हैं। यही एक वजह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से चुनाव को लड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको लगता है कि वायनाड की जनता ने उन्हें जिताया और आने वाले समय में अगर वो फिर दोनों सीटों से जीतते हैं तब फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला पार्टी के अध्यक्ष खड़गे लेंगे, क्योंकि चाहे वो सीसी हो या तमाम नेता, उन्हीं को जिम्मा छोड़ा गया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के लड़ने को लेकर जो सस्पेंस है वो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आने वाले 24 घंटे में रायबरेली और अमेठी पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। जी बिल्कुल, और ये कुछ ही टाइम बाद सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो एक अच्छा खासा मौका रहेगा कांग्रेस को घेरने के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुछ और अहम खबरों का